मंच पर रखा। सबसे बड़ी बात जो एस जयशंकर ने पाकिस्तान में एससीओ के मंच पर कही है वो भारत की क्षेत्रीय अखंडता के उल्लंघन का मुद्दा है। भारत ने कहा कि पाकिस्तान और चीन के बीच जो चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है देयर इज नॉट एन ऑर्डिनरी मैन, ठीक है, तो वो कोई इतना भी वो नहीं है कि हम उसको इस तरह से कंसीडर करें कि यार जिस तरह से उन्होंने कोई डिप्टी जनरल मैनेजर या कोई ब्यूरोक्रेट भेज दिया, ठीक है, तो वो उसकी अपनी एक वर्थ है, ठीक है। वर्ल्ड वाइड अगर आप देखा जाए तो मतलब रशिया में जितनी कॉन्फ्रेंसेज होती हैं इंडिया की उसमें जयशंकर जाके प्रेजेंट, उसमें भारत की संप्रभुता और अखंडता का उल्लंघन किया गया है। एस जयशंकर ने दो टूक कहा कि आपसी सहयोग एक दूसरे की संप्रभुता के सम्मान के साथ होता है। इन दोनों के सामने ही भारत ने ऐसे मुद्दे उठा दिए जिससे माना जा रहा है कि उनकी धुलाई हुई है। शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हिस्सा लेते हुए हो गया है ये वो हैंडशेक है जिसको बहुत पहले हो जाना चाहिए था, बड़ी देर की मेहरबा आते आते, ये फ्रेज बोला जाता है, लेकिन हम कहेंगे कि बड़ी देर की मेहरबा जाते जाते, डॉक्टर जयशंकर ने बड़ी देर कर दी जाते जाते, या पाकिस्तान की तरफ से देर हो गई बुलाते बुलाते, ये वो चीन और पाकिस्तान की पोल खोली है। एससीओ समिट को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाक चीन के सीपीईसी प्रोजेक्ट के कारण भारतीय संप्रभुता के उल्लंघन के मुद्दे को उठा दिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि एससीओ के सदस्य देशों का सहयोग परस्पर सम्मान और संप्रभु समानता पर आधारित होना चाहिए। ये जरूरी है कि सभी देश क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता को मान। इस वक्त डॉक्टर जयशंकर साहब आ गए हैं, उन्होंने कल भारत के अंदर आने से पहले किसी जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्टेटमेंट दी है कि मैं सिर्फ और सिर्फ एससीओ के लिए जा रहा हूं, बायलैटरल इश्यूज को नहीं छेड़ूंगा जब तक पाकिस्तान दहशतगर्दी की सपोर्ट नहीं छोड़ता। तो आप उनको ये चीज बावर कराने के लिए आप क्या कर रहे हैं कि वी आर नॉट बिहाइंड ऑल दीस टेररिस्ट एक्टिविटीज। अब सब जानते हैं कि 9 साल के बाद इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर अपना 4 रुकनी वफ्त लेकर पाकिस्तान पहुंच गए हैं एससीओ मीटिंग अटेंड करने के लिए। उनका जो वेलकम किया गया आप सबने देखा कि बहुत ही फीका सा वेलकम था, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर खुद तक नहीं गए उन्हें वेलकम करने के लिए। उसके बाद नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि जयशंकर की जगह इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को खुद आना चाहिए था, और रही सही कसर जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी ने निकाल दी, ग्लासेस उतारी हैं, फिर दूसरी ब्लैक ग्लासेस अपनी पहनी है, पूरा एक दिखाया है। क्या आपको लगा कहीं भी उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या थी कि वो कंफ्यूज या परेशान या प्रेशर कोई नतील हुआ? सर वो उन्होंने आगे ये शो किया कि हमें पाकिस्तान का कोई भार नहीं है, उनके चैनल सुन लें, वो कहते हैं जी भीख मांगता मुल्क है, ये गरीब मुल्क है, इनके पास खाने के पैसे नहीं है, ये कर्जा ले लेके गुजारा करते हैं। उनका मानना है कि पाकिस्तान टेररिज्म जमातों को सपोर्ट कर रहा है, जैसे कि हाफिज सईद है या फिर दाऊद इब्राहिम है, तो पाकिस्तान के साथ उस वक्त ट्रेड नहीं होगी जब तक पाकिस्तान इन टेररिस्ट जमातों को जिन्होंने पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। वैश्वीकरण और पुनर्संतुलन आज की वास्तविकताएं हैं, एससीओ देशों को इसे आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। सहयोग आपसी सम्मान और संप्रभु समानता पर आधारित होना चाहिए, क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता को मान्यता देनी चाहिए, और एक तरफा एजेंडा नहीं होना चाहिए बल्कि वास्तविक साझेदारी पर यह आधारित होना चाहिए। अगर हम वैश्विक प्रथाओं खासकर व्यापार और ट्रांसपोर्टेशन को ही चुनेंगे तो एससीओ प्रगति नहीं कर पाएगा। काम करो जो पीछे भी डालो, कोई मसला नहीं था, तो नहीं किया, आप कर ले कुछ भी नहीं होता, आप पहल कर लो, इससे हम लोग छोटे नहीं हो जाते। और सबसे बड़ी बात ये है कि यार पाकिस्तान को माफ कर दो, पूरी मैं सब कॉन्टिनेंट को सारों को कहना चाहूंगा हम लोग दहशतगर्द नहीं है। हमारे अगर हम लोग दहशतगर्द होते हैं हमारे पाकिस्तान भी धमाके होने थे, APS पाकिस्तान में होना था, कोयटा के धमाके होते हैं वो पाकिस्तान में होने थे, यार हम लोग को माफ करो। देखिए मिलने का तरीका कार है, अब जिस तरह वो सऊदीया वाले आते हैं वो तो फिर मिलते ही नहीं है बल्कि प्रॉपर मिलते हैं वो, तो ठीक है, तो उनका तरीका कार एक अलग से है, और इन चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता कि हाथ मिलाया या आप गले नहीं मिले, हो सकता है उनको अच्छा ना लगता हो, उनका ये जेस्चर ना हो, हो सकता है ना, हर चीज की वो वैल्यूज अलग होती हैं। लेकिन आप भी तो उन्हें वेलकम करने नहीं ना गए, चाइना के प्राइम मिनिस्टर को वेलकम करने चले गए हैं लेकिन इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर को वेलकम करने नहीं गए, तो उनके दिल में भी तो ये बात आएगी। अगर वज़ीर-ए-आज़म आप आते, नरेंद्र मोदी साहब आते तो वो इस्तकबाल करते, या वो आप ही नहीं आए तो उन्होंने अपना वज़ीर-ए-खारजा इधर भेजा है तो इधर हमारे वफद ने उनका इस्तकबाल कर लिया है, अगर वो भी आ जाते तो ज्यादा बेहतर था। लेकिन सर बहुत अरसा हो गया है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो एससीओ मीटिंग अटेंड करने कहीं नहीं जाते, जहां जाते हैं डॉक्टर एस जयशंकर ही जाते हैं, और ये एक पॉलिसी है जो कि हमारे सियासतदानों को पता होनी चाहिए। मैं तो रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि डॉक्टर साहब 5 उंगलियां हमेशा बराबर नहीं होती, हो सकता है पाकिस्तान के बाहर बलूचिस्तान में जो दहशतगर्द रहते हैं वो नॉन मुस्लिम हो सकता है वो बेशक मुसलमान हो लेकिन वो हम में से नहीं है, हम लोग बहुत उम्दा पसंद लोग हैं, हमें पीस चाहिए हमेशा हर तरफ से,
हम कहते हैं हमारे पास मेहमान है, उनकी इज्जत करें, हमें ये दुश्मनी हमें इससे कुछ लेना देना नहीं है। जब इंडिपेंडेंस हुई है हमारी आज़ादी हमें मिली है, हमारी आज़ादी हमें मिली है, मुझे मिली है बिकॉज उसकी वजह ये कि उसमें मेरे बड़ों का खून है। मेरे जो दादा के भाई थे वो ट्रेन के ऊपर से गिर गए थे और वो मिले नहीं थे। मतलब ये तो मेरी अपनी फैमिली का इंसिडेंट है, तो मैं किस तरह से इस चीज़ को कहूँ कि यार ये हमारे लिए बहुत पेनफुल चीज़ें हैं, इसमें हमारे लिए बहुत पेनफुल जो है याददाश्तें मौजूद हैं। लेकिन मैं फिर भी इस चीज़ को कहूँगा कि पाकिस्तान को भी चाहिए थोड़ा अपने आप को नरम करे, अपने आप को सॉफ्ट करे, और उसके अलावा इंडिया को भी। पाकिस्तान की तारीख में तो पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के जो ट्रेड टाइज हैं वो भी बहुत ज़बरदस्त हैं और $153 मिलियन का ट्रेड वॉल्यूम है। और इस वक्त हम आपको जो मनाज़र दिखा रहे हैं ये अब तक के सबसे अहम मनाज़र हैं। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर और ये भारत और पाकिस्तान मुसाफा कर रहे हैं और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गर्मजोशी से उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया है और एक बार फिर उनको वज़ीर ख़ारजा और नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की जानिब भी लेके जा रहे हैं। तो वज़ीर ख़ारजा भारत के वो भी पहुँचे हैं। इससे पहले जो हैंडशेक हो गया है, ये वो हैंडशेक है जिसको बहुत पहले हो जाना चाहिए था, बड़ी देर की मेहरबान आते आते, ये फ्रेज बोला जाता है। लेकिन हम कहेंगे कि बड़ी देर की मेहरबान जाते जाते, डॉक्टर जयशंकर ने बड़ी देर कर दी जाते जाते, या पाकिस्तान की तरफ से देर हो गई बुलाते बुलाते। ये वो हैंडशेक है जो एक क्लासिक हैंडशेक रहा। शहबाज शरीफ खुद दो कदम आगे बढ़े डॉक्टर जयशंकर से हैंडशेक के लिए। आप देख लें, ये आप जब रोक रोक कर देखेंगे ना, इस वीडियो को जब आप थोड़ा सा पॉज करके देखिए तो आपको पता ही चलेगा कि सर एक ही हो गया जे। क्या पीएम शहबाज ने पूछा था, इजाज़त ली थी कि सर ये दो कदम मैं थोड़ा सा आगे बढ़कर हाथ मिला लूँ, कोई मसला तो नहीं होगा ना, क्योंकि उन्होंने ये कर दिया। अब आप देखें कि डॉक्टर जयशंकर के बॉडी लैंग्वेज देखें आप, भाई क्या क्लासिक बॉडी लैंग्वेज रही है पूरे अभी तक के विजिट में। अभी जैसे ये डॉक्टर जयशंकर जब से उतरे हैं सरजमीन पाकिस्तान पर, आप ये समझें कि उनकी वीडियोज़ जो वायरल हो रही हैं, जो उनके ऊपर डिबेट्स हो रही हैं और जो मीम्स बनाई जा रही हैं, हुआ क्या कि जब वो पहुंचे वहाँ पर, रेड कारपेट उनको वेलकम दिया गया, रिसेप्शन दिया गया, सारा हमने आपको मेरे पिछला प्रोग्राम उठाकर देख लिया। लेकिन उसके अंदर जब उन्होंने एक जो उनका स्टाइल था, यू नो वो एक होता है स्टाइल, जैसे एक बॉस पहुँचता है कहीं पर, बड़े बॉसी स्टाइल में रहे हैं डॉक्टर जयशंकर वहाँ पर है। अच्छा, कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि बड़ा गैंगी स्टाइल लग रहा है। वो जनाब जब अपनी पॉकेट से स्पेक्स निकालते हैं सनग्लासेस लगाने के लिए, तो आप ये तस्वीर देखें, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कोई पिस्तौल निकाल रहा है। यकीन करें, मैंने तो ये लिख भी दिया ट्विटर पे, मैंने कहा भाई साहब ये जयशंकर साहब इन्होंने क्या गन निकाली है, क्या निकाला इन्होंने पॉकेट से, और वो निकाल कर दिखा रहे हैं कि भाई ध्यान रखना ये जेब में है मेरी। तो वैसे तो खैर देखें, वो इसलिए भी हो सकता है, उन्होंने कहा भाई हमला करते हैं, आप सर्वाइवल मोड में हैं, वो अपनी उनकी इकॉनमी दुनिया की पांचवी इकॉनमी। तो दर हकीकत आज अगर देखा जाए तो एससीओ होना पाकिस्तान में बहुत बड़ी बात है, लेकिन इसके पीछे सुना है चाइना ने सारा कुछ किया है, क्योंकि आप तो कभी आईएमएफ के चक्कर लगाते हैं, कभी सऊदी अरेबिया से पैसे लेने के चक्कर में, कभी लोन आगे कराने, आपको तो पैसों के अलावा सर खुजाने का टाइम नहीं है। सुना है कि ये कामयाबी चाइना के सर जाती है, इसके पीछे चाइना का हाथ था। वो हाथ क्यों है चीमा साहब? एससीओ का दर हकीकत मकसद इकोनॉमिक और ट्रेड है, लेकिन चाइना एससीओ को इस्तेमाल करता है एंटी वेस्ट, एक ब्लॉक बनाने के चक्कर में है, अपनी पावर शो करता है, उसमें वो कर रहा है। आपका कमाल इसमें मैं इतना ही समझूंगा, सवाय के यहाँ पे सजाने के, और वो भी अगर इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए तो इस्लामाबाद के जो ठेके एससीओ के लिए भी दिए गए, मेरे ख्याल में उनमें भी काफी चीजें लंदन और दुबई पहुंच गई होंगी, जो कि माजी में होता है। लेकिन चीमा साहब, इस वक्त वाकई ही इस्लामाबाद को दुल्हन की तरह सजाया गया है, पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज के लिए कोशिश की गई है, और ठीक है, मैं सपोर्ट भी करता हूं इस चीज को, लेकिन आप आसपास देखें हालात क्या है, इस वक्त दूसरे शहरों के अंदर क्या हो रहा है। कल मेरे मुर्शिद पाक का डॉक्टर अडियाला जेल के बाहर बैठा रहा है, किस तरीके से वो तड़प रहे हैं, किस तरीके से उनके जो है ब्लॉक, उनके ग्रुप बन चुके हैं मुख्तलिफ जगहों से, उनके लोग जो आपके जजों ने बाहर जहाजों पर बिठा के भेजे थे, वो क्या क्या इरादे रखते हैं। इस वक्त जो ब्लॉक उनके बने हैं, जितने उनके बाहर बैठा लौंडा लपाड़ा है, वो आग उगल रहा है कि जला के खाक कर देंगे, भस्म कर देंगे, लेकिन ऑन ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। पहले हाँ जी, इवन सऊदीया में जो है, सऊदी उसको बड़ी अच्छी तरह से वेलकम करते हैं। तो मेरे ख्याल से ये है कि पाकिस्तान को जो रिफ्ट है ना, ये जो फ्रिक्शन के इश्यूज़ हैं, इसको एक तरफ रखते हुए, बलाए तक रखते हुए, ये जो इवेंट था, इस इवेंट को, इसकी वर्थ को, उसकी इंपॉर्टेंस को कंसिडर करते हुए पाकिस्तान को जो है वो बेहतर का एजेंडा था कि काउंटर टेररिज्म
रेडिकलाइजेशन को ख़त्म करना, उसका बायलेटरल ट्रेड दैट वाज सेकेंडरी टर्शियरी काइंड ऑफ थिंग, लेकिन उनका मोस्ट जो ऑब्जेक्टिव था प्रोमिनेंट वो रेडिकलाइजेशन और टेररिज्म को, एनवायरनमेंट को सेव करने, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे थे यार। एग्जैक्टली हाँ। और एस जय शंकर की तो पूरी दुनिया में इतनी वाहवाह होती है, वो जिस कंट्री में चले जाते हैं वो कंट्री हाईलाइट्स में हो जाती है। हाँ। और मैं ये कहूंगी कि यहाँ पर डिस्कशन भी बहुत ज्यादा मैटर करेगी कि वो आपस में क्या डिस्कशन करते हैं, बात होती भी है कि नहीं होती या नहीं होती है, बस एससीओ की मीटिंग तक की बात महदूद होती है, क्योंकि हमने जितने भी एस जय शंकर के इंटरव्यू सुने वो यही कहते हैं कि पाकिस्तान जो है ना वो एक दहशतगर्दों को सपोर्ट करता है, ये जब तक इनको खत्म नहीं करेगा हम पाकिस्तान से किसी भी तरह की ना बात करेंगे, और जब तक ये मसला कश्मीर को सॉल्व नहीं करेंगे तो उनके मिलिट्री असल में ये नहीं चाहती कि ये पीस हो, अगर पीस होगा तो हमें मिलिट्री की स्ट्रेंथ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमने जो इतनी बहुत बड़ी मिलिट्री है, इतना बजट खा रही है, ये चीज़ें, ये हमें मिलिट्री की ज़रूरत नहीं रहेगी अगर इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर हो जाते हैं। ग्लासेस उतारी हैं, फिर दूसरी ब्लैक ग्लासेस अपनी पहनी है, पूरा एक दिखाया है, क्या आपको लगा कहीं भी उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या थी कि वो कंफ्यूज या परेशान या प्रेशर कोई नतील हुआ? सर वो उन्होंने आगे ये शो किया कि हमें पाकिस्तान का कोई भार नहीं है, उनके चैनल सुन लें, वो कहते हैं जी भीख मंगता मुल्क है, ये गरीब मुल्क है, इनके पास खाने के पैसे नहीं है, ये कर्जा ले लेके तो मुल्क गुजारा करते हैं, उनको मानना है कि पाकिस्तान टेररिज्म जमातों को सपोर्ट कर रहा है, जैसे कि हाफिज सईद है या फिर दाऊद इब्राहिम है, तो पाकिस्तान के साथ उस वक्त ट्रेड नहीं होगी जब तक पाकिस्तान इन टैक्स